बच्चों क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाइसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं हमारे थर्ड वीडियो के साथ, इंटीग्रेशन जो हमारी सीरीज चल रही है उस पर। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट लेक्चर में भाई लास्ट वीडियो में जो है मैंने यहाँ तक डिस्कस कर रखा हुआ है सारा कुछ। और आज जो है कहानी आगे बढ़ाना है बच्चों पहले पार्ट के साथ। जो पहला पार्ट है वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ही सीखेंगे, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन ऐसी चीज है जो हर जगह लगेगी। जैसे कल को मान लो हम वन अपॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीखे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बाय पार्ट सीखे, या ई पावर एक्स वाले रिजल्ट को यूज करें, मतलब कुछ भी पढ़े, कुछ भी, हर जगह सब्स्टिट्यूशन का यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन हर एक टाइप में हमारे बन सकते हैं। जैसे हमने टाइप, हम तो भाई टाइप वाइज पढ़ेंगे सब कुछ। जैसे हमने दो टाइप अब तक देखे हैं, कौन कौन से थे वो दो टाइप। पहला सर फुल ट्रिगो बेस्ड क्वेश्चन जिसमें भयंकर ट्रिग्नोमेट्री लगती है। दूसरा हमने जुगाड़ सीखा है। जुगाड़ यानी कि सर जब डिवाइड में चीजें हो और पावर सेम हो, मतलब लीनियर हो, ऊपर भी लीनियर डिनोमिनेटर में भी लीनियर, तो कैसे जुगाड़ करना है, या डिविडेंड वाले रिजल्ट को कैसे यूज करना है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आज कहानी हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और हमारा पहला टाइप जो तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसमें से पहला, या तीन इंपॉर्टेंट मेथड हैं सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट एंड पार्शियल, उनमें से सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेथड वाइज देखा जाए तो ये पहला मेथड है, टाइप वाइज देखा जाए तो हम थर्ड टाइप पे आ गए बच्चों सब्स्टिट्यूशन। आप इसको टाइप नहीं बोल के केवल मेथड याद रखिए कि भाई तीन मेथड है, टाइप तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम देखेंगे उस पर हम टाइप बनाते चलेंगे। ठीक है, सो भाई ये जो सब्स्टिट्यूशन की कहानी है ना बच्चों, ये एग्जैक्टली काम कैसे करती है पहले समझते हैं। और इसको समझने के लिए ना मैं एक फॉर्मूला लेके चल रहा हूं जो फॉर्मूला हमने नहीं सीखा अभी तक। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों मैं अगर आपको बोलूं आपको डेरिवेटिव ढूंढना है 10 का, ध्यान देना फिर से मेरी बातों को अच्छे से, 10x का डेरिवेटिव ढूंढना है तो आप बोलेंगे सर वो sec का स्क्वायर होता है, तो कल को मैंने जब इसका इंटीग्रेशन करना था तो मैंने आपको बताया वो 10x होता है, ध्यान देना। लेकिन सर 10x का इंटीग्रेशन नहीं होता, 10x का इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और उसी को एग्जाम्पल बना के मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की कि सब्स्टिट्यूशन क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, अच्छा सब्स्टिट्यूशन ऐसी चीज है जिसमें 80% काम डेरिवेटिव का होता है, ध्यान देना बच्चों अच्छे से। मतलब अब अगर यहां पे हमको डेरिवेटिव नहीं आती है तो बस खेल खत्म, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। सो पहला खोपड़ी में ये फिट करना कि भाई डेरिवेटिव काम कैसे करता है। नहीं पूरी आती, फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले छोटे छोटे यूजेस, छोटा छोटा काम कैसे होता है डेरिवेटिव में, बस वो क्लियर होना चाहिए। सो कहानी ये है बच्चों, मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल के लिए क्वेश्चन सीधे दे दिया कि बच्चों आपको इंटीग्रेट करना है 10 को, तो आप बोलेंगे सर ये तो दिक्कत है, आपने कोई फॉर्मूला नहीं दिया 10 के लिए, बाकी सबके लिए फॉर्मूला दिया है, 10 के लिए तो दिया नहीं है, तो मैं 10 का इंटीग्रेशन कैसे करूं भाई, फॉर्मूले तो बनाना है हमको यहाँ। सो मेरे को पता है कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है सर 10 होता है क्या एग्जैक्टली, तो 10 होता है बच्चों आपका साइन अपॉन कॉस, ये होता है साइन अपॉन कॉस, ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, ट्रिको चल रही है भाई फिर से, 10 जो है वो हमारा साइन बटे कॉस हो गया। अब मेरे दिमाग में आया सर इसको कैसे इंटीग्रेट करूं, क्योंकि यू अपॉन वी तो होता नहीं है, इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, दो चीजें फ्रैक्शन में। अब अगर वेरिएबल होता तो पावर सेम होता तो जुगाड़ आता भी है, लेकिन सर ये तो ट्रिगो है, साइन ऊपर है कॉस नीचे है, तो बच्चा ना तू यहाँ डेरिवेटिव सोच, कैसे सोचना, अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच ये होना चाहिए बच्चों कि हमको ये ट्राई करना है कि एक कोई फंक्शन दिया हो और दूसरा उसका डेरिवेटिव दिया हो। क्वेश्चन में हमेशा ये ढूंढना है कि कहीं तो फंक्शन हो और कहीं उसका डेरिवेटिव हो। अगर ऐसा केस है ना तो मैं पूरे क्वेश्चन को ही चेंज कर लूंगा, क्वेश्चन को ही बदल दूंगा, और क्वेश्चन को बदल के भाई हम जो है ट्राई करेंगे ऐसी सिचुएशन बनाए जहां इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यानी कि जो अब तक हमने पढ़ा है उसका कहीं यूज हो सके। सो मेरे दिमाग में आया सर अगर कल को मैंने साइन को सोचा, साइन एक्स को सोच, चूंकि ये एक फंक्शन है तो मेरे को पता है सर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो अगर मैं साइन को कुछ और पुट कर दूं, ध्यान देना साइन को कुछ और पुट कर दूं, तो सर साइन की जगह पे कुछ तो आ जाएगा और कॉस कहां जाएगा, तो कॉस बच्चा साइन का डेरिवेटिव होता है तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी सर, कॉस अपॉन में वन अपॉन कॉस है और वन अपॉन कॉस सेक होता है, साइन का डेरिवेटिव सेक नहीं होता, ध्यान देना। तो मेरे दिमाग में एक काम करते हैं सर, थोड़ा सा रुकिए रुकिए रुकिए, अब मैं एक उल्टा सोच रहा हूं, उल्टा ये सोच रहा हूं कि सर मेरे को तो पता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है,
माइनस एडजस्ट किया जा सकता है, अपन कर लेंगे एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दिमाग में है ना सर, ना मैं इस क्वेश्चन को ही बदल देता हूं पूरा का पूरा, पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं। और चेंज करते समय स्टार्ट क्या किया ना मैंने, देखो दिमाग लगाया, मैंने बोला एक कॉस एक्स, तू पहले कुछ तो भी बन जा, तो तू बन जा टी। देखो कॉस एक्स को मैंने अपने मन से टी ले लिया, तो आप बोलेंगे सर कल को आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, कॉस एक्स को आपने टी ले लिया है तो कल को आपके डिनोमिनेटर में टी होगा, और अगर बच्चा डिनोमिनेटर में टी है तो इधर डी एक्स नहीं चलेगा क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, अगर टी है तो इधर टी होना चाहिए यानी कि डी टी होना चाहिए, डी एक्स नहीं। तो मेरे दिमाग में आया सर डी टी कहां से आए, तो डी टी आ सकता है डेरिवेटिव से, सोचो हमने डेरिवेटिव पढ़ रखी हुई है। सो अगर मैं दिमाग लगाऊं और इसका डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे को पता है कि सर साइन कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी टी हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ऐसे ही लिखते हैं। देखो जैसे आप पहले करते थे, क्या करते थे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, सो यहाँ टी इज इक्वल टू कॉस है तो क्या मिलेगा डी टी बाई डी एक्स, तो मैं चुपके से डी एक्स को बोलूंगा तू इधर निपट ले, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, उधर चला गया माइनस डी टी। तो सर जहां भी साइन एक्स डी एक्स है ना, जहां भी साइन एक्स डी एक्स है, ये ध्यान देना अच्छे से, ये पूरे केस जगह पे आ गया, कौन आ गया सर माइनस डी टी, तो ये पूरा रिप्लेस हुआ साइन एक्स विथ डी एक्स, सब रिप्लेस हो जाएगा केवल एक टर्म से माइनस डी टी, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मैंने वन लिख दिया, और कॉस को तो मैंने टी ले रखा हुआ था तो भाई माइनस बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल में क्या बना वन बाय टी डी टी। अब इसको और वन बाय एक्स डी एक्स को फील करो, वन बाय एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, वन बाय टी क्या होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, टी विथ रिस्पेक्ट टू टी जैसे एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, सो इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, और भाई मेरा काम खत्म हो गया। टी है कौन एग्जैक्टली, टी तो मैंने चेंज किया था, मेरा टर्म तो एक्स के है, मेरा क्वेश्चन एक्स के टर्म में था, तो टी कौन है, टी कॉस एक्स है, बेटा रख दे वहां पे आंसर आ गया, इट इज माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब भाई माइनस आगे नहीं रखते लॉग के, तो एक काम करो ये माइनस वन है बेसिकली, जिस दिन उचक के इसकी खोपड़ी पे जाएगा तो कॉस की पावर में माइनस वन जो कि वन बाय कॉस बनेगा और वो सेक बन जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो वन बाय कॉस फाइनली सेक होगा, तो आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकते हो, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का निकल। भाई इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये प्रोसेस क्लिक होना चाहिए, और ये प्रोसेस तभी क्लिक होगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारे सवाल जो है सॉल्व कर लेंगे, तब जाके ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा। अभी तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिया था कि भाई एग्जाम्पल के लिए कैसे हो सकता है। सो बच्चों एक मिनट है, कॉल आ रहा है, चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये टेन एक्स का पूरा प्रूफ है जहाँ पे हमने फॉर्मूला खुद ही बना लिया, और ऐसे ही जैसे आप देखिए चार फॉर्मूले हमारे मिसिंग थे बच्चों जो मैंने आपको नहीं सिखाए थे, उनमें से सबसे पहला भाई टेन एक्स कि टेन क्या होता है, देन वी विल हैव कॉट एक्स, सिमिलरली वी हैविंग सेक एन कोसेक, इन चार रिजल्ट्स को आपको पढ़ना था, और इनमें मेजर रोल जो है भाई वो सब्स्टिट्यूशन का है, स्पेशली इन दोनों के केस में सब्स्टिट्यूशन से हम कर सकते हैं, बाकी दोनों हम रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों, सो टेन एक्स आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ बहुत सारे, जब बहुत सारे सवाल लूंगा तो कैसे खोपड़ी नहीं क्लियर होगी, 100% क्लियर होगी, ठीक है ओके। सो अब कहानी आगे है बच्चों, तो ये चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो कि मैंने यहाँ दे रखे हुए, आप इनको अच्छे से गो थ्रू कर लें। अच्छा जहां ये एल एन लिखा है तो एल एन का मतलब लॉग होता है, लॉग में मॉड में साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों याद कर लें अच्छे से। देन यहाँ पे दो दो फॉर्मूले हैं जिसमें आपकी बुक कहीं कहीं ये यूज करती है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे भाई, मतलब देखिए फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो अल्टीमेट है, उसके बिना मतलब ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ और कर सकें। सो पहले फॉर्मूले रट लें अच्छे से, सारे फॉर्मूले क्लियर रखें, और फिर जो सवाल है उसके बेस्ट हम सवाल जो है वो करते रहेंगे, ठीक है ओके। सो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मतलब आगे बढ़ते हैं तो सवाल की तरफ। तो कहानी ये है कि भाई हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3.2a सवाल आपकी बुक में बहुत हैं, भर भर के हैं, उतनी ही प्रैक्टिस कर लो तो मोर देन इनफ है कि आपका इंटीग्रेशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रल लॉग एक्स
कि पावर में समथिंग अपॉन एक्स डी एक्स, ये पहला सवाल है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं दो तीन बातें और ऐड करूंगा, इस पॉइंट दो तीन पॉइंट्स और ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको पहले याद करा देता हूं, तो इससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस तो आप देखते ही मार दोगे, मतलब देखा और बस ठोक दिया कि भाई तू निपट गया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पीछे और एक चल रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। जैसे मैं आपको बोलता बच्चों चलो कॉटेक्स का फॉर्मूला खुद बनाते हैं, अभी तो देख लिया क्या है लेकिन बनाते हैं, तो आप बोलेंगे आपको खुद फील आएगा सर टेन जैसे इसको भी करते हैं, और मेरे को पता है बच्चा कॉट होता है कॉस बाय साइन, ये होता है हमारा कॉट। आप बोलेंगे सर ये देखो ना इसका डेरिवेटिव ये है, कितना आसान है, तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं पुट करते हैं या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं और इसको साइन एक्स ले लेते हैं, टी को साइन एक्स को टी ले लिया, तो आप बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स होगा और साइन का कॉस होता है। सो कल को मैं डी टी क्या लिख सकता हूँ, किसको डी टी लिख सकता हूँ, कॉस एक्स डी एक्स को। देखो यहाँ ऊपर वाले की दया से ना पूरा पूरा खुद गायब हो जा रहा है कॉस एक्स डी एक्स, ये देखो ये पूरा ये बन गया आपका डी टी। जब ये डी टी बन गया तो मेरा क्वेश्चन रीडिफाइंड हो गया, यहाँ सर डी टी आ गया, ऊपर कुछ नहीं वन है और नीचे साइन को मैंने टी लिया है, तो सर इसका आंसर सीधे हो जाएगा लॉग में मॉड में साइन टी है, मतलब आप डरिए नहीं पहले टी लिख दीजिए, और भाई टी कौन है, टी तो साइन है सर, आ गया आंसर। यही आपका फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए फॉर्मूला यही है आपका लॉग ऑफ साइन एक्स। तो सर कहानी तो बड़ी आसान आसान सी दिख रही है कि सर साइन को लिया उसका डेरिवेटिव था सब कुछ चेंज हुआ फट से लॉग लगा, पर हर बार ऐसा नहीं होगा, इतना सिंपल स्ट्रेट नहीं होगा, वो एकदम से नहीं दे देगा कि ले बच्चे ये डेरिवेटिव ये फंक्शन मार क्वेश्चन को खत्म कर, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जिस केस में ऐसा हो जाए कि सर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बैठा है, दिख रहा है कि सर नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो मैं बार बार ये सेम प्रोसेस क्यों रिपीट करूं, इससे बेटर है मैं कुछ रिजल्ट्स याद कर लूं। और उसमें सबसे पहला रिजल्ट है बच्चा लोग, मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर में उसका डेरिवेटिव, केवल डेरिवेटिव एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, ऊपर नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है ये पूरा, यानी कि कॉस एक्स डी एक्स, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव डी एक्स है, आप डायरेक्ट लिख दो लॉग में मॉड में फंक्शन प्लस सी, और मेहनत मत करो। देखिए यहाँ पे वही हुआ, लॉग में मॉड में फंक्शन कौन है जो नीचे बैठा है, नीचे ये नीचे जो बैठा है, तो लॉग में मॉड में वो फंक्शन, क्वेश्चन खत्म, पहला केस, रिजल्ट नंबर वन। रिजल्ट नंबर टू बच्चों, मान लीजिए कभी रूट में नीचे फंक्शन बैठा है और ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो आप इसको बिंदास लिख सकते हो टू रूट में फंक्शन प्लस सी, सीधे कोई नहीं, और इनका बहुत मेजर यूज है फ्यूचर में, इनका बहुत मेजर यूज आने वाला है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो इनके बिना कई सवाल तो निपटेंगे नहीं, वहां पे ये बिना याद किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वहां के लिए सीख रहे हैं हम, भले सब्स्टिट्यूशन में ना यूज करें लेकिन आगे जब हम 3.2 क्रॉस करेंगे 3.2 बी और सी पे चलेंगे ना, वहां पे इन रिजल्ट्स के बिना कुछ नहीं होना है आपका, तो भाई याद हो जानी चाहिए दोनों। रिजल्ट नंबर थ्री बोलता है बच्चों, मान लीजिए इंटीग्रल एक फंक्शन है जिसकी खोपड़ी में एन बैठा है, एन एन कैन बी एनी नंबर 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है, और एन टू में डेरिवेटिव बैठ रखा है, तो आप डायरेक्ट लिख दो सर एफ ऑफ एक्स की पावर में एन प्लस वन, ध्यान देना क्या किया मैंने, एफ ऑफ एक्स की पावर में एन प्लस वन अपॉन में वही एन प्लस वन प्लस सी। वैसे इस रिजल्ट का यूज कहीं होता नहीं है, फालतू है, बिना इस रिजल्ट के भी सवाल निपट जाते हैं, इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ती, मेरे को तो नहीं पड़ेगा कभी, पर ठीक है बुक में है आपको देना जरूरी है, भाई आपको पता होना चाहिए, बाकी मेजरली दो याद करो, जितना कम बर्डन रहेगा याद करने के लिए उतना अच्छा है। सो दो तो रट्टा होने चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, नहीं तो इनके बिना सवाल नहीं होने वाला, और सही में नहीं होने वाला आगे अपन देखेंगे, पर इसकी कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन पहला सवाल इसी रिजल्ट पे दिया है, पर मैं बिना रिजल्ट के ही करने वाला हूं, अपन एक ही क्लियर रखेंगे सर, जिधर सब्स्टिट्यूशन दिखा सब्स्टिट्यूशन ही करना है, ज्यादा फालतू की बातें करनी नहीं है, रिजल्ट रिजल्ट यूज करके परेशान नहीं होना है, सीधे सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। सो भाई ये तीनों रिजल्ट लेकिन है काम के, मतलब दो तो बहुत ही काम के, रट लो एक ठीक ठीक आता है तो भी चलेगा, नहीं आता है तो भी अपना गाड़ी जो है अपनी पार हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसके दो मेथड है करने के, मैं आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा, मेथड वन और टू दोनों, यहाँ टू देख लेंगे यहाँ पे वन कंटिन्यू करते, ये ट्रेडिशनल मेथड है सब्स्टिट्यूशन का जो मैं करने जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक बात चल रही है सर क्या कोई ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, देखो यू अपॉन वी होता नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज में सर ने सिखाया ही क्या है, ट्रिगो को यूज करना, यहाँ ट्रिगो तो है नहीं,
एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स पावर एन भी नहीं है, लॉग बैठ रखा हुआ है। जुगाड़, जुगाड़ जैसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल नहीं है, लॉग है। तो अब सर बचा क्या, जहां इंटीग्रेशन में आपको कुछ नहीं चमके, सोचो सब्स्टिट्यूशन, बस वही एक रास्ता है। अब सोचना है सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। तो मेरे दिमाग में ना थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मेरे को डेरिवेटिव याद है कि सर लॉग एक्स एक बैठा है और अपॉन में एक्स बैठा है, तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ा, सोचो पहले क्वेश्चन को तोड़ देते हैं, तो आई कैन राइट दिस इज लॉग एक्स की पावर में एन इंटू में वन बाय एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मीनिंग एक है, डरना नहीं है भाई। लॉग एक्स इंटू में वन बाय एक्स अपॉन में एक्स, यानी कि इंटू में वन बाय एक्स, एक ही बात होता है। तो मेरे दिमाग में ना थोड़ा थोड़ा चल रहा है कि सर ये जो है ना, ये लॉग एक्स, ये अंदर जो बैठा है प्राणी, इसका डेरिवेटिव यही है। सोचो आप याद करो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता है। तो अगर मैंने इसको टी ले लिया, तो सर इसका डेरिवेटिव वन बाय एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा और मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो भाई सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट वे। तो मैंने दिमाग लगाया सर मैं पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, लॉग एक्स को टी। तो जैसे ही मैंने लॉग एक्स को टी लिया, खट से डिफरेंशिएट किया, वन बाय एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, और डी एक्स यहां आएगा, सो वन बाय एक्स डी एक्स, वन बाय एक्स डी एक्स टर्न्स आउट टू बी डी टी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, क्वेश्चन हो क्या जाएगा एग्जैक्टली, क्वेश्चन हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो लॉग एक्स की जगह टी है बच्चों, तो ये टी पावर में एन बैठा है तो एन बिठा दिया, और इस पूरे की जगह पे वन बाय एक्स डी एक्स टर्न्स आउट टू बी डी टी। अब ये हो गया एक्स पावर एन जैसा, जैसे एक्स पावर एन एक्स डी एक्स होता है, वैसे टी पावर एन डी टी है, कर दो डिफरेंस इंटीग्रेशन। सो ये हो जाएगा सर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, प्लस में सी, लेकिन टी है कौन, टी लॉग एक्स है, पावर में एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, कहानी खत्म, ही आपका आंसर। ये हो गया ट्रेडिशनल सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर, और यही हमको सीखना है बच्चों, यही काम की है हमारी चीज, तो भाई हमको तो यही सीखना है। अब सारे सवाल ऐसे ही करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई रिजल्ट फिजल्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं सर आप हमको रिजल्ट भी सिखाओ, तो ये देखो मेथड टू, अब आपका क्वेश्चन था बच्चों ये, इंटीग्रल में लॉग एक्स पावर में एन इंटू में वन बाय एक्स डी एक्स, आपके दिमाग में आया सर ये देखिए एक फंक्शन है जिसकी खोपड़ी में एन बैठा है और इंटू में उसका डेरिवेटिव बैठ रखा हुआ है, अच्छे से देखना इंटू में कौन बैठा है उसका डेरिवेटिव। तो अब भी आपने सर पढ़ाया एफ ऑफ एक्स पावर एन और इंटू में डेरिवेटिव अगर बैठा है एफ ऑफ एक्स पावर एन, तो उसको सीधे लिख दो फंक्शन की पावर में एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन सी। तो भैया फंक्शन कौन है, एफ ऑफ एक्स कौन है, लॉग एक्स है सर, तो लॉग एक्स की पावर में बच्चा एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, आंसर खत्म हो गया एक लाइन में। बस यहाँ रीजन आपको देना पड़ेगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है, वो रिजल्ट लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये लॉन्ग वे है, ये दो लाइन में आंसर है, देखो भाई कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, आप एग्जाम में दोनों कोई भी यूज करो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। बस ये कि इसकी आदत डालनी है हमको, इसलिए ऐसे करें तो बेटर है, और ये एक एक समय के बाद आपको रट्टा हो जाएगा कि सर अरे लॉग एक्स वन बाय एक्स मार सब्स्टिट्यूशन, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको जो पसंद आए आप दोनों फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो फिर से वही कहानी है, आप इसको भी दोनों मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी और मतलब प्रॉपर्टी भी, मैं सब्स्टिट्यूशन फॉलो करने वाला हूं, आप कैसे ही करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है सर साइन इनवर्स एक्स, जिसका डेरिवेटिव होता है बच्चों वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, साफ दिख रहा है इसका डेरिवेटिव ये है, तो आप इसको पुट करके सब्स्टिट्यूट कर लो, और या तो ये फंक्शन है बच्चों जिसकी खोपड़ी में थ्री बाय टू है इंटू में वन अपॉन दिस, यानी कि फंक्शन की खोपड़ी में थ्री बाय टू इंटू में वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधे फॉर्मूला लगा दो फंक्शन की पावर में एन प्लस वन, यानी कि साइन इनवर्स की पावर में थ्री प्लस थ्री बाय टू प्लस वन, यानी कि फाइव बाय टू अपॉन फाइव बाय टू प्लस सी आंसर है। तो भाई आपको मेथड टू से मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, आप मेथड टू अगर यूज करें तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं सर, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या है आपका, यह है साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर में थ्री बाय टू इंटू में वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो सर ये हमारा फंक्शन है बच्चा लोग, और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव बैठ रखा हुआ है, तो आप सीधे लिख दो पावर में एन है, एन यानी कि थ्री बाय टू, नंबर एन कैन बी एनीथिंग, मैंने पहले बोल रखा था। सो ये हो जाएगा फंक्शन, फंक्शन यानी कि बच्चों साइन इनवर्स एक्स, उसकी खोपड़ी में थ्री बाय टू प्लस वन, यानी कि एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, थ्री बाय टू प्लस वन, यही आपका आंसर है, थ्री बाय टू यानी कि फाइव बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फाइव बाय टू हो जाएगा आगे आंसर। और अगर ट्रेडिशनल वे में करना है तो सर फॉलो करिए, पुट साइन इनवर्स एक्स को टी, बच्चों इसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स यहाँ आएगा, सो देयर फोर वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कैन बी रिटन एज डी टी। तो अब देखो क्वेश्चन चेंज होने जा रहा है, अच्छे से देखना,
अरे वेर इज डी एक्स, ये रहा डी एक्स, ये बच्चों ये पूरा बन जाएगा आपका डी टी। यहाँ पे आपने सॉरी 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 उल्टा कर दिया मैंने, ये पूरा बनेगा भाई डी टी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, और साइन इनवर्स कॉमनिटी लिया तो मेरा आई क्या हो रहा है देखो रीचेंज होके यहाँ पे आ जाएगा टी, इट इज टी की पावर 3/2 इंटू में डी टी, इस पूरे की जगह पे डी टी। सो भाई मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ बच्चों फटाफट, तो ये हो जाएगा टी की पावर में 3/2 प्लस 1 अपॉन में टी 3/2 प्लस 1, और टी है कौन एग्जैक्टली, तो सर टी मैंने साइन इनवर्स एक्स को लिया है, तो साइन इनवर्स एक्स की पावर में ये 5/2 हो गया अपॉन में 5/2 प्लस सी, इसको 2/5 लिख लो, आंसर वही आया। तो भाई आप दोनों में से कोई फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, मतलब आंसर दोनों से राइट आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब अगला सवाल देखो, अब यहाँ पे आया भाई, अब देखो अब धीरे धीरे टेस्ट करना स्टार्ट करेगा क्वेश्चन आपको, अब एकदम स्ट्रेट नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि भाई किसका सब्सटीट्यूशन कौन है, बिना सब्सटीट्यूशन के सोचना भी नहीं सॉल्व करने का, क्या लगाएंगे यहाँ पे यू अपॉन वी, वी क्या फैक्टर वैक्टर कॉमन, पागल हो जाएंगे। सब्सटीट्यूशन बेस्ट वे है, लॉग दिख रहा है, 1/x वगैरह दिख रहा है, तो बस सब्सटीट्यूशन सबसे अच्छा तरीका होता है। बस आपको ये चमके कि सर किसको क्या सब्सटीट्यूट कर रहा है। तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है सर क्वेश्चन, पहले तो देखते हैं अच्छे से, अपॉन में x इंटू साइन के अंदर बैठ रखा है x प्लस लॉग x। अब देखो अगर आपने सोचो इसमें सबसे खतरनाक कौन है, ये नीचे साइन के अंदर में, साइन के अंदर है वो x प्लस लॉग x, तो अगर मान लो इस पूरे को t ले लिया, मान लो ऐसा सोचो, तो साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस होता है, सर कॉस है नहीं कहीं तो मैं ले नहीं सकता साइन को, तो अब मेरे दिमाग में सर किसको ले, तो ना मेरे एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर बोल रहा है कि सर अगर x प्लस लॉग x को t लिया, सोचो इसको, इनको तो लेने का कोई मीनिंग नहीं है, यू अपॉन वी लगा के कहीं अपना खोपड़ी फोड़वाना है। अगर मैंने सोचो x प्लस लॉग x को t ले लिया कल को इतने टर्म को, तो मुझे पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, log x का 1 बाय x होता है, सर अपॉन में x बैठा है, 1 बाय x आने के चांस है। तो मैं ना भाई ये कर रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं, सीधे x प्लस लॉग x को t। अब जिस दिन मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ये होगा 1 बाय x, 1 प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा आप x प्लस 1 बोलो या 1 प्लस x कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फील कर रहे होंगे सर ऐसा कहीं तो दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, ये देखिए अच्छे से देखिएगा, एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करिए, जो येलो कलर से क्वेश्चन में लिख रखा हुआ है ना वो सारा कुछ मेरे पास अब आ गया, आपको फील आ रहा होगा सर इस पूरे की जगह पे देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, 1 प्लस एक्स यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सो मेरा आई हो जाएगा इंटीग्रल, इस पूरे की जगह बच्चों डी टी आ गया, और मैंने साइन, तो साइन को तो मैंने कुछ किया ही नहीं सर, हाथ ही नहीं लगाया, साइन को हाथ नहीं लगाना है, खाली किसको सर x प्लस लॉग x यानी कि ये जो साइन के अंदर बैठा उसको मैंने टी लिया, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन टी, और मेरे को पता है सर 1 अपॉन साइन टी एग्जैक्टली होता क्या है ना, तो वो होता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोसेक टी, 1 बाय साइन कोसेक होता है भाई डी टी, आप कोसेक का इंटीग्रेशन करना है सर, अब भी आपने फॉर्मूला दिया ये देख लो, अब आ गया फॉर्मूलों का यूज बच्चों कोसेक, तो भाई कोसेक के दो फॉर्मूले हैं, लॉग के अंदर कोसेक माइनस कॉट या लॉग के अंदर 10x बाय 2, और आई थिंक एग्जाम में आपकी बुक ना ये यूज कर रही है तो अपन भी ये यूज करेंगे लॉग 10x बाय 2, तो क्या हो जाएगा भाई आंसर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10x, x का बच्चा मतलब होता है t बाय 2 प्लस सी, लेकिन भाई टी कौन है, टी तो है हमारा कौन है भाई, टी किधर है टी, एक्स प्लस लॉग एक्स, सो ये हो जाएगा एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन में टू प्लस सी, कहानी खत्म, ये आ गया बच्चों आपका आंसर फाइनल, दैट्स इट, वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो। नाउ नेक्स्ट नंबर 4 देखो भाई, फिर एक और क्वेश्चन आ गया आपका टेस्ट लेने, पर ये क्वेश्चन ना खुद बताता है, खुद बता रहा है, मैक्सिमम काम खुद कर दे रहा है कि सर किसको टी लेना है, नीचे देखो रूट में बड़ा भयंकर सा बैठ रखा हुआ है 10 की क्यूब एक्स स्क्वायर, अब देखो ऊपर सेक का स्क्वायर है, और मेरे को बताया सर सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव सोचना, इंटीग्रेशन कन्फ्यूजन बहुत होगा सर, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब खोपड़ी में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया, सो भाई याद रखनी पड़ेगी, नहीं रखेंगे तो गड़बड़ है, बिना प्रैक्टिस के ना कुछ नहीं उखड़ेगा, भयंकर प्रैक्टिस ही है, गजब वाली नेक्स्ट लेवल वाली, तो जाके चीजें याद रहेंगी, ठीक है। सो अब सेक स्क्वायर रख रखा हुआ है ऊपर सेक का स्क्वायर, और नीचे 10 का क्यूब रखा है, तो सर 10 का क्यूब ले लिया ना तो पागल हो जाओगे, 10 को लेकिन सोचो 10 का डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर होता है, 10 का डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर होता है, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना सर अपन 10 को, क्यूब को नहीं खाली 10 को, इस 10 को
और उसके साथ एंगल कौन है, एंगल एक्स स्क्वायर है, इसको टी ले लिया मैंने, और टी लेते मेरे दिमाग में क्लिक हुआ सर टेन का डेरिवेटिव ना हमने बचपन में पढ़ा है, सेक का स्क्वायर होता है अंदर एक्स स्क्वायर है, सिंस कंपोजिट है अगेन डेरिवेटिव होगा उसका टू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब मैं अगर ऑब्जर्व करूं मेरे क्वेश्चन को, फील करना भाई, अगर मैं अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं ना तो ये सर एक्स देखो यहाँ एक्स है, टू छोड़ दो एक्स है सेक्स स्क्वायर है ये देखो, और ये डी एक्स मीटर रखा हुआ है। तो सर कल को टू छोड़ दो खाली तो सब कुछ है मेरे पास ऊपर, तो मैं टू को बोला तू उधर निकल रहे, तो बच्चों सेक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स है उसको आगे रख दिया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू, कॉन्स्टेंट है वहां फेंक दो कोई दिक्कत नहीं। सो पूरा आई देखो क्या हो जाएगा चेंज हो गया बच्चों, अच्छे से देखना इस पूरे की जगह पे पूरे की डी टी बाई टू आ गया, रख दिया डी टी बाई टू, इंटीग्रल यहाँ पे वन अपॉन है, और इसको ध्यान देना मैंने किसको टी लिया है वो सोचना, रूट को कुछ नहीं होगा, रूट एज इट इज रहेगा, मैंने टेन एक्स स्क्वायर क्यूब को भी कुछ नहीं हुआ, टेन एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा है और उसकी खोपड़ी में ये थ्री है। अब भाई इंटीग्रेशन का पार्ट आया बच्चों, हाफ तो बाहर आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ये हो गया हाफ इंटीग्रल, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो, इसका मतलब क्या होता है टी की पावर रूट में टी क्यूब, इसका मतलब होता है बच्चों टी का क्यूब है और रूट का मतलब अपॉन पावर हाफ होता है, सो इसका मतलब हो गया बच्चों टी की पावर में थ्री बाय टू, वो भी वन अपॉन में, किस में होगा भाई वन अपॉन में, सो इट इज वन अपॉन टी की पावर में थ्री बाय टू डी टी। अब हमारी कहानी बदल के हो जाएगी सर, ऊपर चला जाएगा ये माइनस थ्री बाय टू डी टी, अब कर दूंगा मैं इंटीग्रेशन, और जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूंगा कहानी कैसे दिखेगी आपको, क्वेश्चन जो है भाई हो जाएगा हाफ ऑफ टी की पावर में माइनस थ्री बाय टू प्लस वन अपॉन में माइनस थ्री बाय टू प्लस वन प्लस सी, सो ये हो गया बच्चों हाफ ऑफ टी की पावर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो माइनस हाफ अपॉन में माइनस हाफ प्लस सी। अब यहाँ पे हाफ है यहाँ पे हाफ है तो शहीद हो जाएंगे, या आप ऐसा सोचो टू पर गया और मर गया और माइनस बचा है, इसको आप अपॉन में ले लो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन टी है कौन, टी ऐसा टेन एक्स स्क्वायर, टेन एक्स स्क्वायर और हाफ है पावर में मतलब रूट प्लस सी आपका आंसर है। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन, दैट्स इट, नेक्स्ट। अगला अगला एकदम बच्चों वाला है, एकदम देख के आपको फील आ रहा होगा सर कौन किसका डेरिवेटिव है, जो डिनोमिनेटर में उसका ऊपर डेरिवेटिव लिख रखा हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको बस एकदम स्ट्रेट खेल लो भाई, ये e की पावर में 3x है अपॉन में बच्चों e की पावर में 3x प्लस 1 dx है, सो भाई अब मैं ना पुट कर देता हूँ फटाक से, किसको पुट कर दूं सर e की पावर 3x प्लस 1 को t, पूरे को लेना है खाली इतने को नहीं लेना, नहीं तो पता चला आपने इतने को लिया बाद में यहाँ पुट करने में तकलीफ, फिर माइनस वन को उधर शिफ्ट करो सर दर्द, तो इस पूरे को टी ले लिया, अच्छे से सोचो। अब इस पूरे का डेरिवेटिव ई पावर 3x का वही होता है बस सर, जो ऊपर है ना खोपड़ी में उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा कंपोजिट है, तो 3x का 3 हो जाएगा और 1 का 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, सो बच्चों dx यहां शिफ्ट होगा तो ये 3 इंटू ई की पावर 3x dx इज इक्वल टू dt, लेकिन सर ऊपर 3 नहीं है तो मैं बोला एक काम कर रुक 3 तू उधर निपट अपॉन में 3, कॉन्स्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, सो पूरा आई क्या हो जाएगा हमारा आप देखना इंटीग्रल यहाँ हो गया dt बाय 3, किसकी जगह पे आया e पावर 3x dx, यानी कि सर इसकी जगह पे आ गया और इसकी जगह तो मैंने t ले रखा हुआ है, सो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया बच्चों 1 बाय 3 बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाय 3 इंटीग्रल का log ऑफ मॉड में t प्लस सी, तो आपका आंसर हो गया 1 बाय 3 log ऑफ t की जगह कौन आ जाएगा भाई e की पावर में 3x प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया आपका मेथड 1, अच्छे से सुनना। अब मैं इसको ना सेकेंड मेथड से कर रहा हूँ बच्चों, और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का एक लाइन में, सर मेरे को पता है इसका डेरेवेटिव ये होता है आपको भी पता है, बस सर दिक्कत है 3 का, क्योंकि इसका डेरेवेटिव 3 e पावर 3x होता है, 3 चाहिए तो मैंने पहले क्वेश्चन में ना छोटा सा जुगाड़ लगाया 1 बाय 3 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब छोटे मोटे जुगाड़ तो बचपन में करते अपन बच्चों, बचपन में करते थे। अब मेरे को पता है सर ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव है, रिजल्ट यूज करो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आप सीधे इसको लिख सकते हो लॉग में मॉड में फंक्शन, लॉग में मॉड में फंक्शन प्लस सी आंसर आ गया, ये मेथड 1 था ट्रेडिशनल, ये आपको आदत बन जाएगी इसलिए मैं यही ज्यादा करा रहा हूँ, और ये रिजल्ट आपको जो कंफर्टेबल है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अगली कहानी है भाई, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल, पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अच्छे से लिखते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में बच्चों लिख रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन इनटू इट इज a की पावर में x प्लस टेन इनवर्स ऑफ x, ओके dx। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव का रोल बहुत अच्छा है, वो भी इनवर्स डेरिवेटिव का,
आपको दिख रहा होगा कहीं पे तो x प्लस टेन इनवर्स ऑफ x लिख रखा हुआ है, और हमको अगर याद हो ना तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव देखो आपको खुद समझेगा कि किसको पुट करके चेंज करना। अब a की पावर x को ले नहीं सकते बिकॉज a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a होता है, अब log a कहां से लाऊं है ही नहीं, सो वो मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा और इजी वे में सोचना है कि अगर मैं x प्लस टेन इनवर्स और x को सोचूं, क्योंकि इससे टेन इनवर्स तो आ नहीं सकता, ऐसा कोई डेरिवेटिव होता नहीं है, पर टेन इनवर्स से ऐसा कुछ लाया जा सकता है, पॉसिबल है, तो कैसे? लेकिन सर, तो मेरे को पता है सर x प्लस टेन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो इसका फॉर्मूला डेरिवेटिव, तो x का 1 होगा, टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये देखो। तो काफी काम ना क्वेश्चन खुद बता देता है कि भाई ऐसे कर लो। तो अब अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं बच्चों, क्या पुट कर दूं, x प्लस टेन इनवर्स ऑफ x को t, सोचो तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, d इज इक्वल टू dt बाय dx। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, सो ये जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx टर्न्स आउट टू बी dt। सो भाई इसको जिस दिन मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1। देखो हमारी हमारी जो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन है वो x स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैंने भी इसको x स्क्वायर प्लस 1 कर लिया, क्या ही फर्क नहीं पड़ना है प्लस में। अब अगर मैं फील करूं ना बच्चों, सो यहाँ पे इस पूरे की जगह पे ऐसे इस पूरे की जगह पे देखो इस पूरे की इसको छोड़ दीजिए, इस पूरे की जगह पे dt आ जाएगा और a की पावर t बन जाएगा। अब a की पावर t इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, तो देखो आपका i क्या हो गया भाई चेंज होके, सो देयरफॉर i इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा इंटीग्रल, इस पूरे की जगह पे dt आया केवल dt, और यहाँ पे हो गया a की पावर में t, सो a की पावर t होता है a पावर t अपॉन log t प्लस c, बस आप रख दो सब कुछ है कौन भाई t x प्लस टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन में भी सेम x प्लस log भी आ गया log ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस c का नहीं खत्म, t की जगह t की वैल्यू रख दी, दैट्स इट और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ना बच्चों हो गया आसान है, आप खाली इसको t ले लो, जस्ट इमेजिन log के अंदर साइन है, log का होता है 1 अपॉन x, अब log के अंदर साइन है तो x की जगह साइन है तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, अगेन साइन का करेंगे कंपोजिट है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos जिसे नीचे आएगा साइन बाय cos 10 हो जाएगा, देखो नीचे 10 है और e पावर x का e पावर x वो भी है, तो बस बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो देखते ये सर ऐसे कैसे चमका आपको, तो ये प्रैक्टिस है, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करने लगेंगे भयंकर वाली तो ये चमकने लगेगा आपको। सो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू log ऑफ साइन e पावर x dx अपॉन में 10 बेट रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक एक केस हम देखते हैं, या मैं ऐसा करता हूँ ना बच्चों थोड़ा सा ना इसको इजी कर ले रहा हूँ, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ आप सोचो, कहाँ 10 रखे सर, इसको ना डिनोमिनेटर ही खाली कर लेते हैं इसका, मेरे को पता है 10 होता है cot, सो इट इज cot e पावर x dx। तो अब मैं भाई इसको पुट करूंगा इस पूरे को, तो मैंने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया सर, log ऑफ साइन e पावर x को t ले लो और आप फील करना ये सब, देखो मिलेगा सब मिलेगा बच्चों, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी है वो होता है, अगेन डेरिवेटिव साइन का, साइन का बच्चों cos होता है, अगेन उसके पास में e पावर x बैठा हुआ है कंपोजिट है, e पावर x का e पावर x होता है इज इक्वल टू dt बाय dx। अब अगर मैं दिमाग लगाऊं सर cos बाय साइन cot होता है, cot e पावर x और इनटू में e पावर x बैठ रखा हुआ है dx इज इक्वल टू dt। अब आप केवल क्वेश्चन देख लो आपको 100% चमक जाएगा कि सर e पावर x ये रहा cot dx ये रहा, पूरा मिला के dt हो जाएगा और क्वेश्चन जो है एकदम बच्चा जैसा हो जाएगा। इंटीग्रल log e पावर इस पूरे को मैंने t लिया है बच्चों, तो ये t हो गया और इस पूरे की जगह dt आया, एकदम छोटा इंटीग्रेशन हो गया विच इज टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c, बस t की जगह कौन है log ऑफ साइन e पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी स्पीड अप होते जाएगा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, आपको खुद फील आने लगेगा कि सर अब स्लो हो रहा है, आप स्लो चल रहे हो, थोड़ा फास्ट चलो। अगला सवाल, अब देखो अगला सवाल बच्चों वही देखो, ये ऐसा क्वेश्चन देख रखा हुआ है पीछे, याद है e पावर 3x था, ऊपर e पावर 3x नीचे e पावर 3x प्लस 1, पर इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करो, यू जस्ट इमेजिन कि सर नीचे जो है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, सोचो
अगर मैंने इसको टी लिया ई पावर टू एक्स का तो भी हो जाएगा ई पावर टू एक्स, लेकिन सर माइनस वन कॉन्स्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा, और ऊपर जीरो नहीं वन है, तो ये नॉर्मल सवाल नहीं है। जैसा हमने प्रीवियस किया उसमें ऊपर कॉन्स्टेंट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे पुट करो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मिलता है। यहां ऐसा नहीं होगा कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं मिलता है। अब इसमें कुछ तो भी सोचना पड़ेगा, या तो दहेज है दोनों को बांटो, ऐसा सोचो तो एक पार्ट तो बन जाएगा, एक पार्ट बनेगा सब्स्टिट्यूशन का, एक बन जाएगा वन अपॉन ई पावर टू एक्स। लेकिन सर वन अपॉन एक्स तो ठीक था, ई पावर टू एक्स का कैसे करूंगा इंटीग्रेशन, वहां भी परेशानी है। तो एक काम करते ना, इसमें कुछ अलग जुगाड़ लगाते, अलग जुगाड़ यानी कि सर कॉन्स्टेंट हटाते। कॉन्स्टेंट हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ सोचो बच्चों, कौन है इस पूरे क्वेश्चन में, एक वेरिएबल है ई पावर टू एक्स और एक कॉन्स्टेंट है। तो मैंने क्या सोचा ना, मेरे दिमाग में आया कि सर एक काम करते हैं, ई पावर टू एक्स है, अगर मैं इसको ई पावर टू एक्स से उड़ा दूं सबको तो भी दिक्कत है, इधर वन हो जाएगा। फिर ऐसा करना है कि वन कहीं ना हो, कॉन्स्टेंट ना आवे। तो मैंने दिमाग लगाया कि सर आप ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय ई पावर एक्स। सो आपका ये हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर 2x प्लस 1, इसके अपॉन में भी आ गया e पावर x और होल अपॉन में भी आ गया e पावर x, दोनों को उड़ा दिया। उड़ाते ही ये हो जाएगा सर e पावर x, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन e पावर x विच इज e पावर माइनस x, सेम नहीं डिनोमिनेटर में हो जाएगा, बस डिनोमिनेटर में माइनस है, क्या है भाई माइनस, रबड़ कर दिया अपन ने, माइनस है, माइनस 1 अपॉन नॉट माइनस 1, इट टर्न्स आउट टू बी e पावर माइनस x। और अब अगर आप फील करो ना, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव करके देखो, e पावर x का सर वही होता है, e पावर x का वही होगा, e पावर माइनस x का भी वही होता है, बस माइनस x का अगेन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो सर ये हो गया नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, डायरेक्ट आंसर लिख दो लॉग में मॉड में फंक्शन। बच्चों प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ अब यहाँ पे डायरेक्ट, और आपको चमकेगी भाई, अब ऐसा नहीं कि आपको चमकेगा नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव सीधे लिख दो लॉग में मॉड में फंक्शन, कोई मेहनत आगे करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल, वो गजब सवाल भाई गजब, ये अपना ये अपने आप में एक यूनिक पॉइंट आ गया बच्चों यहाँ पे, जो आप याद कर लो आगे से। इस टाइप का क्वेश्चन सीईटी भर भर के बनाता है, इवन जेई में भी पूछ लेता है। अगर आपको ना बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए जिसमें साइन की पावर में एम या साइन की पावर में एन और कॉस की पावर में एम है, तो आपको केवल ना पहला, इसके तीन केस होते हैं, हमारे हमारे कहानी में एक ही केस है, हम केवल केस वन देखने वाले हैं। केस बच्चों मान लीजिए एन, देखो दो बातें हो सकती है इसमें, दो बातें हो सकती है कि सर या तो एन ऑड हो सकता है और या तो एम ऑड हो सकता है, कोई एक ऑड होगा कोई एक इवन। देखो जैसे इस कहानी में भी है, एक इवन है एक ऑड है, तो या तो पहला केस एन ऑड है तो एम इवन होगा और एम ऑड है तो एन इवन होगा, सर कॉमन सेंस है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो भी कोई इवन है, अच्छे से सुनना, जो भी कोई इवन है उसको टी लेना है, जो इवन है। अब यहाँ पे देखो, मान लो एम इवन है तो एम किसके पास है, कॉस के पास है, तो आपको कॉस को टी लेना है, और यहाँ पे इवन कौन है एन, एन के साथ कौन है साइन, तो साइन को टी लेना है, और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, याद कर लो इसको। इसके और भी केसेस होते हैं, जब इवन ऑड नहीं है, पावर में 3/2 5/2 आ जाए तो उसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ट्रिक है, लेकिन उस लेवल के सवाल अपने बुक में है ही नहीं तो अपन उतना नहीं जाते हैं फिलहाल, सीटी में डिस्कस कर लेंगे उसको। फिलहाल मैं केवल यहीं पर डिस्कशन को रख रहा हूँ कि भाई अगर एम इवन, कौन इवन है कौन ऑड है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर, मेरा क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन की पावर में 4x इंटू में कॉस क्यूब एक्स dx। तो भाई यहाँ पे साइन की पावर 4 सर ये इवन है, बस बच्चा इसको तेरे को टी लेना है, यानी कि सर क्लियर हो गया कि कल को मेरे को साइन एक्स को टी रखना है। हाँ भाई, तेरे को साइन एक्स को ही टी रखना है। सो साइन एक्स को टी रखने का मतलब ये होता है कि सर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो बेटा देख कॉस क्यूब बेटा है तो इसको ब्रेक कर ले, मेरे को खाली कॉस टी है, स्क्वायर को फेंक बाहर, तो इसको लिख देगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स डी एक्स। अब मेरे को पता है सर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, सो कॉस एक्स डी एक्स कल को डी टी ये बन जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स टर्न्स आउट टू बी डी टी, अच्छे से देखना। अच्छा सर कॉस एक्स डी एक्स तो बन गया, लेकिन ये कॉस स्क्वायर का क्या करूं, तो देख बेटा तेरे को पता है तो इसको बिंदास लिख सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो हुई क्या कहानी में सर कॉस एक ही बचा, सब साइन में कन्वर्ट हो गया, यही करना ही है। तो अब मैंने जैसे ही टी लिया बच्चों, तो क्वेश्चन देखो चेंज होके क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ये टी पावर 4 हो गया, अंदर में 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया,
और cos x dx की जगह पे आपने dt लिख दिया और ये क्वेश्चन एकदम बच्चों जैसा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना एकदम आसान है, आप लिख देंगे सर i इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ टी पावर 4 माइनस टी पावर 6 dt। सो टी पावर 4 का हो जाएगा टी पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। अब टी कौन है भी, टी है साइन एक्स, तो साइन एक्स पावर 5 या साइन पावर 5 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, कहानी खत्म। सो भाई यूनिक क्वेश्चन था ये, यूनिक याद कर लेना अच्छे से कि इस क्वेश्चन को कैसे करना। ऐसे कुछ है जिनके खुद के कुछ यूएसपीज हैं, भाई मैं अलग हूँ एकदम, उनमें से ये है, ये सवाल ही बोलता है मैं एकदम अलग हूँ, मेरे को करने का तरीका भी अलग। ठीक है नेक्स्ट, अगली कहानी देखो, अब अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, थोड़ा सा अलग ही है। अलग इसलिए है कि सर यहाँ पे माइनस 11 बैठ रखा है, एक तो 11 है ऊपर से नंबर इतना बड़ा और वो भी नेगेटिव है, तो पहले उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आई इंटीग्रल 1 अपॉन ये 4x प्लस 5 अपॉन x की पावर में 11 dx। सो मैं जिस दिन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों ये एकदम चिंदी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर चला जाएगा, तो x की पावर 11 और ये 4x पावर 12 हो गया और प्लस में 5। अब ये बच्चों का ऐसा क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव यही होता है, x पावर n का क्या होता है, nx पावर n माइनस 1, 12 का क्या होगा, 12 नीचे आएगा और खोपड़ी में 11 बचेगा, ऊपर 11 है, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो बस पुट कर दो इसको, सो क्या पुट करूं, 4x पावर 12 प्लस 5 इज इक्वल टू t। सो बच्चों इसका डेरिवेटिव 4 इंटू 12 नीचे आ गया, x की पावर में 11 बचे कॉन्स्टेंट है इज इक्वल टू dt बाई dx। अब ऊपर क्या x की पावर 11, तो भैया x की पावर 11 तू इधर ही रुक, dx तू इधर आ, 48 तू उधर जा, ये 12 चौक 48 तू निकल। अब जैसे ही तू निकल तो भैया क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया, सो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा बच्चों देखना, x पावर 11 dx की जगह आ जाएगा dt बाय 48 1 अपॉन इस पूरे को टी लिया है, क्वेश्चन खत्म हो गया, 1 बाय 48 लॉग में मॉड में टी प्लस सी। अब टी आपको पता है किसको आपने पुट किया, तो किसको किया भाई, 4x पावर 12 प्लस 5 प्लस सी, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों 10th में। नेक्स्ट नाउ 11th, अच्छा बहुत फास्ट हो तो बताइएगा, ऐसा बहुत फास्ट चल रहा है। नाउ 11th, तो 11th आपको खुद फील आ जाएगा क्वेश्चन देख के बच्चों आंसर, क्योंकि sec की स्क्वायर लिखी है, अंदर क्या है बाहर क्या है भाड़ में क्या, sec की पावर में 2 है, sec का स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन भी प्रेजेंट है। अब सोचो sec का स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन 10 होता है, बस प्रॉब्लम ये नंबर वंबर सर बाजू बाजू में क्या बैठे हैं, उसको हटा दो काम हो जाएगा। तो मैंने बोला एक काम कर, तो इस टी को 10 है ना, 10 को टी ले, क्योंकि बच्चा जिस दिन तू 10 को टी लेगा इसका डेरिवेटिव 10x पावर 9 होता है इज इक्वल टू dt बाय dx। सो बच्चा dx यहां शिफ्ट होगा, तो x पावर 9 dx को तू लिख सकता है dt बटे 10, 10 कांस्टेंट है, और देख ये तेरा x पावर 9 ये dx चेंज हो जाएगा, तो देयरफॉर i क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रल dt बटे 10, और किसको t लिया है तूने, इसको अंदर, तो ये हो गया बच्चों sec के स्क्वायर का t, तो 1 बाय 10 बाहर आ गया और sec का स्क्वायर क्या होता है 10 टी प्लस सी। टी को क्या रखना है, एक्स की पावर 10, क्वेश्चन खत्म हो गया, 1 अपॉन 10 10x पावर 10। अब ये नंबर जो प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा करोगे, देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओगे ना उतना आपको हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस। खाली आप पूरी पूरा थोरो एक बार सॉल्व करो देख के, मतलब समझ के सुन के सीख के, फिर एक बार बिना देखे स्टार्ट करो, फर्स्ट से लास्ट जितने सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट से लास्ट वन मतलब एक स्टॉप विदाउट स्टॉप खत्म करो, इतने में तो भाई भयंकर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फिर टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल भी कर डालो बिना देखे, क्वेश्चन लो बस प्रैक्टिस, मिसलिनियस में क्वेश्चन है वो भी कर डालो, तो बस हो गई प्रैक्टिस भयंकर। अगला अब देखो, अगला यहाँ पहले तो क्वेश्चन को सही कर लो, ये तो दिखने में क्वेश्चन थोड़ा गंदा है तो इसको सही करते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, थोड़ा चीजें पकड़ना है, कुछ प्रॉपर्टीज यूज करूंगा लॉग की वो भी ध्यान देना, क्योंकि बच्चों ये देखो ये लिख क्या रखा है, ये माइनस है तो ये सब नीचे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर में 4 प्लस 1 और ये ई की पावर में 3 नहीं, ई की पावर में लॉग एक्स का क्यूब लिखा है, आप डरेंगे नहीं तो बोलना, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी जिनको नहीं आती होगी भी ध्यान देना, लॉग ए पावर एम, कल को सर एम आगे आता है, एम लॉग ए होता है, तो सर अगर एम आगे है तो मैं इसको खोपड़ी पे लिख सकता हूं, मैंने 3 को वही किया। और फिर मैं एक और प्रॉपर्टी आपको याद दिला दूं कि सर e की पावर log x x होता है, यानी कि e log कैंसिल हो जाते, तो अल्टीमेटली बच्चों यहां भी e log मर जाएगा, तो क्वेश्चन ही आपका ये है। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है सर,
इसका डेरिवेटिव यही होता है, बस 4 की जरूरत है तो मैंने 4 से इनटू डिवाइड कर दिया। सो ये हो गया 1/4 लॉग में मॉड में फंक्शन, रिजल्ट यूज कर दिया यहाँ पे, प्लस सी, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। अब ये बिना लॉग के नहीं हो सकता था, इसके लिए लॉग आनी चाहिए। अब इतना लॉग हमने डेरिवेटिव में सीखा है, बहुत सीखा है, भर भर के लॉग सीखा था, तो अगर वहां क्लियर है तो ये आपको खट से स्ट्राइक किया होगा सब कुछ, किस क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्या बोला भाई, रूट में 10 अपॉन में साइन इनटू कॉस। अब देखो यहाँ पे ट्रिको आ गया है, पर ट्रिको में भी ना है तो सब्स्टिट्यूशन सर, ऑफकोर्स हम सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट पे चैप्टर में, एग्जाम में होगी दिक्कत, एग्जाम में नहीं पता होगा ना कौन से एक्सरसाइज का सवाल है, यहाँ तो पता है कि सर आप वही एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो जिसमें केवल सब्स्टिट्यूशन होना है, तो मतलब ये तो सब्स्टिट्यूशन से होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% हो जाएगा आपका काम सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन मसला ये एग्जाम में स्ट्राइक करना चाहिए, तो देखो एग्जाम में कैसे स्ट्राइक करेंगे, टाइप याद है, मेथड याद है, सब कुछ सोच डाल दो, किसी से नहीं हो रहा है बस सब्स्टिट्यूशन से होगा, पर सब कुछ याद होना चाहिए। इसके लिए पूरा इंटीग्रेशन खत्म कर लेंगे पहले, फिर हम मिसलेनियस करेंगे, मतलब बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर उठा के करेंगे, एंड वी विल फील कि नहीं सर किस इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, मारो सब्स्टिट्यूशन आंसर आएगा। अब लेकिन ये क्वेश्चन, क्योंकि सर किसको पुट करूं तो कुछ बनेगा, साइन इंटू कॉस को लूं तो सर यू इंटू वी बन जाएगा, सोचो एक एक सोचने में क्या बोला जा रहा है, साइन इंटू कॉस को अगर टी लिया तो साइन इंटू कॉस जो है यू इंटू वी बनाएगा, तो साइन डेरिवेटिव ऑफ कॉस प्लस कॉस डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस टू थीटा बनेगा। सो सर ये तो कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बनेगा, तो सर सर क्या करेगा, करेगा तो कुछ यूनिक सोच के निकालते, तो यूनिक सोचने में सर रूट में 10 लिखा है, 10 का डेरिवेटिव बच्चों सेक का स्क्वायर होता है, सोचो एक एक पॉइंट सोचो, रूट में 10 है, वही सबसे डिफिकल्ट टास्क हो गई है, रूट में 10, तो 10 का डेरिवेटिव हमको पता है, अगर कल को 10 को पुट किया तो उसका डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर होता है, और सेक का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/cos2, जस्ट इमेजिन 1/cos2, नीचे सर एक कॉस है, एक और कॉस आ जाए तो, लेकिन सर एक और कॉस आ गया तब तो और डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, करेंगे क्या, तो मेरे दिमाग में ना सर एक काम करो कॉस को उड़ा ही दो ना, कॉस स्क्वायर से उड़ा दो तो सेक का स्क्वायर आ जाएगा। देखो मेरे को अगर मेरे को इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो मेरे दिमाग में चल रहा है सर 10 सबसे दिक्कत दे रहा है मेरे को, 10 का तो कुछ भी नहीं चमक रहा है कि करूँ क्या, वो भी रूट से मैं बैठा ऊपर से, नहीं तो मैं साइन बाय कॉस लेके क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर सकता था। सो मैंने सोचा एक काम करते हैं 10 को ही चेंज कर देते तो, लेकिन फिर अगर मैंने 10 को पुट किया, ऐसा पुट करके सोचो 10 को पुट किया टी, तो कल को मेरे पास सेक का स्क्वायर होना चाहिए कहीं, तो वो भी ऊपर होना चाहिए क्योंकि सेक स्क्वायर चाहिए, तो सेक का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए था, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक काम करो ले आओ सेक का स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ, देखो जो होगा सब ऊपर नीचे दोनों होना है, तो सेक स्क्वायर कब आएगा जब 1/cos2 होगा, तो मेरे दिमाग में सर ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से उड़ा दो। सो ये रूट में 10x है, अपॉन में मैंने कॉस स्क्वायर ला दिया, अच्छा ऊपर उड़ाया तो नीचे स्वाभाविक है उड़ना ही उड़ना है सर। देखो कुछ चीजें ना मैं डायरेक्ट सोचूंगा, और ये आपको भी आदत बनानी पड़ेगी, दोनों मर गया, मरते ही सर साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। अरे हाँ देख 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 काम बन रहा है, ये देखो क्या हो गया, ये क्वेश्चन पहले यही देखना, इंटीग्रल सुबह इंटीग्रल ये रूट में 10 है, पकड़ते चलना इंटू में 1/cos2 बच्चों सेक का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। सो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इंटीग्रल सर देखो दोनों सेम जाती के, एक मरेगा नीचे एक रूट बचेगा, रूट में 10x अपॉन में सेक का स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। एग्जाम वाला चाहता तो क्वेश्चन को ऐसे देता ये, पर उसने ना आपको परेशान करना था तो ऐसे दिया कि आप पहले सिंप्लीफाई करके इधर आओ और फिर आप सोचो कि 10 का डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर है, तो सर नीचे रूट में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे रूट में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इसकी भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं सब्स्टिट्यूशन की। दो मेथड हो सकते हैं बच्चे, यहाँ से देखो ये मेथड 1 यानी कि मैं पुट करता जो मैंने सोचा था कि सर मैं पुट करता 10x को टी, 10 का डेरिवेटिव बनता बच्चों सेक का स्क्वायर, dx टर्न्स आउट टू बी dt, और मेरा क्वेश्चन रीडिफाइन होता, यहाँ dt आता 1/√t बचता, रूट में टी मतलब पावर हाफ, पावर हाफ को मैं लिखता सर टी की पावर में -half dt, जिसका इंटीग्रेशन हो जाता टी की पावर में 1/2/2+c। टी कौन है, टी कौन है, टी 10x से रख दो, तो यहाँ रख दिया √x यानी कि 2/√10x+c आंसर आ गया, क्या आ गया 2√10x+c। ये तो बहुत मेहनत हो गई सर, बहुत मेहनत हो गई, ये आपने इतनी मेहनत कर दी मेथड 1 में, क्योंकि हम आदत डाल रहे हैं अपने अंदर सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन मेथड 2 सर मेरे को साफ साफ दिख रहा है रूट में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, मैं सीधे लिखूंगा 2√फंक्शन प्रॉपर्टी, क्वेश्चन खत्म हो गया। लस्सी तो भाई दोनों वे है, ये भी है ये भी है, जो मर रहा है वो लिख दो, बस रीजन जरूर लिखना, रीजन लिखना नहीं भूलना, रीजन मतलब रिजल्ट,
रीजन जरूर देना, नहीं टीचर नहीं समझेगा ये आंसर यहाँ से कैसे आया, आप परेशान होंगे, मार्क्स काट देगा टीचर। नेक्स्ट, ना इट इज x माइनस वन की होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके क्वेश्चन आसान है बच्चों ये, पर ना पर इस क्वेश्चन को लेने से पहले, या मैं आपको यहां पे इस क्वेश्चन को सर्कल करता हूं, जब मैं 3.2b सिखाऊंगा तब इस क्वेश्चन को कराऊंगा। क्यों ऐसा ना, क्यों ऐसा, मैं आपको रीजन देता हूं, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन ना कुछ ये है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फट से बोलो। हाँ क्या किया सर, ऊपर आपने ओपन कर दिया, ओपन करते ही ना बच्चा ये देखिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये देखो इन दोनों को साथ में लेके इसको अपॉन में बिठा दिया, माइनस में 2x अपॉन x एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बैठ रखा हुआ है। अब मेरे दिमाग में ऐसा, ये तो सेम जाति का एक मर गया, और ये बन गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन को मैं लिखूंगा वन का स्क्वायर डीएक्स। और ये बच्चों रिजल्ट है जो मैं आपको कल को आगे पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर में, कि बच्चा इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये मैं कल को पढ़ाऊंगा फ्यूचर में, उस पर बेस सवाल यहाँ था। और ये सब्सटीट्यूशन, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट बच्चों सब्सटीट्यूशन है। आप सोचो इसको अगर मैंने टी लिया ना, इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो सर ये तो सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, लेकिन यहाँ अटक गई गाड़ी, यहाँ क्या करूं, कैसे करूं इस क्वेश्चन को। तो बच्चा इसका आंसर ये है, इसी से होगा, मतलब आ गया आंसर, आ गया, अगर मैं चाहूं तो आंसर आ गया है। आप देखो इसका डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे स्क्वायर है, उसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स अपॉन वन, माइनस यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो या तो इसको आई वन लिख लो, इसको आई टू, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो आप पुट करोगे बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी, तो इसका डेरिवेटिव होता है टू एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी। सो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, ध्यान देना अच्छे से, मैं बड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू डी टी। तो ये कल को हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। सो बच्चों ये हो जाएगा टी की पावर में माइनस वन, यानी कि वन अपॉन टी, माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, वन अपॉन टी, टी के कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी आपका आंसर है। मैंने कर तो दिया क्वेश्चन, पर ये वाला स्लाइडर थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग अलग है, आगे का पार्ट है, तो जब वो पढ़ाऊंगा तो मैं इसको 100% डिस्कस कराऊंगा एक बार, ठीक है, याद से डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगली कहानी, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम अलग है। अगर मैं कुछ पुट करना चाहूं, जस्ट इमेजिन, कल मतलब मेरे दिमाग में एक बार चल रहा है कि सर मैं साइन स्क्वायर को टी ले लूं, सोचो यू जस्ट इमेजिन कि सर को मैंने कल को साइन स्क्वायर को टी ले लिया, तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 साइन इंटू कॉस, जो ऊपर है, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव भी वही होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस नेगेटिव होता है। तो मतलब आधा काम यहाँ निपट रहा है, इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे कुछ चीजें याद आ रही है कि सर ऊपर जो लिखा है ना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे जो लिखा है इसका डेरिवेटिव यही है, और कॉस स्क्वायर तो मैं पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एट अ टाइम कभी भी बोलोगे तब लिख सकता हूँ प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सो मेरे दिमाग में आया सर क्यों ना मैं साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लूं, तो साइन स्क्वायर एक्स को जैसे लिया तो इसका पहले पावर का होता है बच्चों कंपोजिट है 2 साइन एक्स फिर साइन का कॉस डी एक्स टर्न्स आउट टू बी डी टी। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल इस पूरे की जगह पे डी टी आ गया, यहाँ पे डी टी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स खत्म हो गया, साइन स्क्वायर की जगह टी रख दो, तो 1 अपॉन ये 3 1 माइनस टी साइन स्क्वायर को टी लिया प्लस 4 टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाक से, 1 अपॉन ये हो गया 3 माइनस 3 टी प्लस 4 टी डी टी। सो बच्चों क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस टी 3 प्लस टी डी टी, और ये 1 बाय एक्स हो गया सर लॉग एक्स प्लस सी, एंड टी है कौन, टी है साइन स्क्वायर। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। तो ये काफी स्ट्रेट क्वेश्चन था जहां पे डेरिवेटिव ना याद होते हैं लोगों को, मतलब प्रैक्टिस के बाद आपको भी याद हो जाएगा कि साइन स्क्वायर सर साइन टू थीटा होता है, साइन स्क्वायर का साइन टू थीटा था लेकिन साइन टू थीटा होता है 2 साइन इंटू कॉस, यानी कि सर साइन स्क्वायर इज 2 साइन इंटू कॉस। तो बस खट से कॉस स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, सो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, काफी अच्छा और बड़ा वीडियो रहा है, और जो बच्चे क्वेश्चन है इसके वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और उसमें समझाऊंगा, और जो स्पेशल ये 14 वाला है इसको मैं अगेन डिस्कस करूंगा जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना, जब एक बार आपको ये फॉर्मूला से
रूबरू करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, फिर मैं जो है इस क्वेश्चन पे वापस आ जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते रहिए, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।